हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम पढ़ रहे थे हरियाणा का करंट, जिसमें मैं आपको करा चुकी हूँ। जनवरी के दो पार्ट हमने कर लिए हैं, जनवरी मंथ के दो पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आज लास्ट पार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने कवर अप कराने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप सर्च भी कर सकते हैं फोकस ऑन स्टडी 2022 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारी इंस्टा आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा के किस ज़िले में बनी है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेरा कोर्ट की, वो हमारे हरियाणा के अंदर ही बनी है। वो किस ज़िले में बनी है ये आपको बताना है। तो ये कोर्ट आपकी बनी है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ बनी है? गुरुग्राम में। आपने एक टर्म सुनी होगी हरेरा। हरेरा क्या होता है? हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। हरेरा के अनुसार जो है उन्होंने गुरुग्राम के अंदर एक रेरा डिजिटल कोर्ट स्थापित किया है, जिसमें समस्याओं का पूरा डिजिटली निवारण होगा। ये जो है ये पहला है, ऐसा अपनी तरह का ये पहला कोर्ट है। और जो गुरुग्राम रेरा के अध्यक्ष हों, गुरुग्राम रेरा के अध्यक्ष आपके हैं के खंडेलवाल। कौन है? के खंडेलवाल। क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है? एक तो आपका मैंने बताया देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा में बनेगी, वो भी गुरुग्राम के अंदर, हरेरा के अंदर ये आता है। इसके अध्यक्ष होंगे के खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेकर OMU साइन किया है? क्या साइन किया है? AMU साइन किया है। तो वो किया है हमने हिमाचल प्रदेश के साथ। ये जो आदि बद्री आपका डैम होगा, इससे सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। क्या होगा? इससे सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। जो ये आपका आदि बद्री डैम बनेगा, इससे जो है 20 क्यूसिक पानी, कितना? 20 क्यूसिक पानी हमारी सरस्वती नदी के अंदर प्रवाहित होगा, ठीक है। इस डैम की जो ऊंचाई वो है ऊंचाई है वो समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर होगा। 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये डैम बनेगा आपका, जिसकी लागत लगभग, लागत की अगर मैं बात करूं तो वो होगी आपकी 215 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉर्ड टेनिस चैम्पियनशिप में खिताब जीता है? ऐसा कौन सा हरियाणवी खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस चैम्पियनशिप में खिताब जीता है? तो वो खिलाड़ी हैं आपके कुलदीप दलाल। ये जो कुलदीप दलाल जी हैं वो हिसार जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? हिसार जिले से इनका संबंध है। और इनकी
उम्र है 59 ईयर्स, 59 साल, 59 ईयर इसकी इनकी उम्र है। इन्होंने जयपुर में हुई एक सीनियर लॉन टेनिस चैम्पियनशिप के अंदर खिताब अपने नाम किया है और ये इनकी, ये इन्होंने 5वीं बार जीता है। कितनी बार? 5वीं बार इन्होंने इस पे जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। हरियाणा के किस ज़िले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी? ऐसा ज़िला है हमारा पंचकुला, जहाँ पर हमारे हरियाणा की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार की जाएगी। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर पंचकुला से पहले अगर दूसरी यहाँ स्थापित हुई है तो पहली कहाँ हुई है? रोहतक के अंदर। कहाँ हुई है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऐसी कौन सी वो हमारी पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर हमारा तिरंगा लहराया है? सबसे पहले तो हम अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो वो है आपकी किलीमंजारो। कौन सी? किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। हमसे पूछा गया है उस पर्वतारोही का नाम, तो उनका नाम है मीनू। मीनू जो है हिसार की रहने वाली हैं, हिसार में गांव पड़ता है डाटा गांव। डाटा गांव की मीनू जो है उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, जिसकी जो 19,341 फीट ऊंची है ये किलीमंजारो अफ्रीका की, यहाँ पर 29 दिसंबर 2021 को हमारा तिरंगा फहराया और हमारे देश का नाम रोशन किया। इससे पहले भी जो मीनू है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक चोटी पड़ती है मनाली फ्रेंडशिप पीक। कौन सी? मनाली फ्रेंडशिप पीक पर भी तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पावर लिफ्टर ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऐसे कौन से हमारे खिलाड़ी हैं? जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो वो जो हमारे पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम है सुमित चौधरी। क्या नाम है? सुमित चौधरी। ये जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, ये हुई थी तुर्की के इस्तांबुल में। काफ़ी फेमस शहर है ये तुर्की का। तुर्की के कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तुर्की की कैपिटल क्या है। इस्तांबुल में ये स्वर्ण चैम्प, ये आपकी पावर लिफ्टिंग की एशियन चैम्पियनशिप हुई थी। जो सुमित चौधरी हैं ये हैं हिसार के, हिसार में गांव पड़ता है डोभी। कौन सा गांव पड़ता है? डोभी। डोभी गांव के रहने वाले हैं आपके सुमित चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फकरे हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इस पे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा पक्का एग्ज़ाम में, बहुत चांसेस हैं इसके। कौन है वो व्यक्ति जिन्हें ये सम्मान मिला है? तो उनका नाम है प्रोफेसर हिम्मत सिंह। क्या नाम है? प्रोफेसर हिम्मत सिंह। इनकी उम्र है 94 वर्ष। कितनी उम्र है इनकी? 94 वर्ष। ये दिया गया है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए 94 वर्षीय प्रोफेसर हिम्मत सिंह को क्या दिया है? फक्र हरियाणा अवार्ड। वैसे फक्र की ही बात है, 94 साल के ये हो गए हैं। 2019 के लिए मिला है प्रोफेसर हिम्मत सिंह। इनका पीछे लगता है नाजमी,
नाजिम, क्या लगता है? नाजिम काफ़ी इम्पोर्टेंट अगर आ जाए, नाजिम इनमें से कौन किसके नाम के पीछे लगा जाता, तो वो है प्रोफेसर हिम्मत सिंह। 2019 के लिए मिला इन्हें, और अगर मैं बात करूँ 2020 के लिए तो वो मिला है डॉक्टर कुमार, एक ये शायर हैं, वरिष्ठ शायर जिनका नाम है डॉक्टर कुमार पानीपति। क्या नाम है? डॉक्टर कुमार पानीपति। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये पानीपति, तो ये रहने वाले हैं आपके पानीपत के। और जो हमारे प्रोफेसर हिम्मत सिंह नाजिम हैं, ये रहने वाले हैं कुरुक्षेत्र के। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र के। इनको मिला है 5-5 लाख रुपए तो इनाम राशि, साथ में मिला है एक स्मृति चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र, और एक अंगवस्त्र भी इनको भेंट किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फकरे हरियाणा 2019 तो हैं प्रोफेसर हिम्मत सिंह नाजिम, और 2020 हैं डॉक्टर कुमार पानीपति, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए हाल ही सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही पुरस्कार, सब इसके बारे में जानते हैं, तो ये दिया गया है कृष्ण कुमार तूर जी को हाल ही सम्मान से किया गया है सम्मान। ये भी हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा कृष्ण कुमार तूर को दिया गया है 2020 के लिए हाल ही सम्मान। और ये कृष्ण कुमार तूर जो बिलोंग करते हैं वो धर्मशाला से हैं, ये धर्मशाला के हैं। अगर मैं बात करूं वर्ष 2019 की, तो हाल ही पुरस्कार दिया गया है मेवात के डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को। किसको? मेवात के डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को मिला है 2019 के लिए। इसमें दिया जाता है 3 लाख रुपए की राशि, साथ में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और साथ में इसमें भी दिया जाता है एक अंग वस्त्र। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? क्या? सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी बर्नी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं हमारे डॉक्टर देसराज सपड़ा। कौन है? डॉक्टर देसराज सपड़ा। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ये रहने वाले हैं शाहबाद मारकंडा के। कहाँ के? शाहबाद के रहने वाले हैं डॉक्टर देसराज सपड़ा, और इन्हें 2020 के सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उर्दू भाषाओं में ये जो इन्होंने अद्भुत काम किया है, उनके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा डाडम खनन क्षेत्र किस जिले में है? क्या है ये डाडम? डाडम बहुत लोगों ने सुना होगा, ये खनन क्षेत्र है। तो ये कहाँ पड़ता है ये हमें बताना है। ये पड़ता है हमारा भिवानी में। कहाँ है ये? भिवानी में। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये भिवानी में एक जगह पड़ती है आपकी तोशाम। तोशाम से 5 किलोमीटर की दूरी पे है आपका ये डाडम खनन क्षेत्र। इसमें लोग जो है
बहुत ज़्यादा यहाँ खनन होने लग रहा है, तो इस वजह से पहाड़ी गिर गई और बहुत सारे लोग उसके नीचे दब गए, कई लोगों की मौत भी हो गई, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हरियाणा के किस ज़िले में हेली हब बनाया जाएगा? ऐसा हमारा कौन सा ज़िला है जहाँ बनाया जाएगा हेली हब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम ज़िला, गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा हेली हब, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, जो आपके हेलीकॉप्टर होते हैं उनके लिए बनेगा यहाँ पे हेलीपोर्ट से लेके हैंगर तक, हैंगर साथ में यहाँ पे रिपेयर का काम भी होगा हेलीकॉप्टर्स के। ये देश की पहली ऐसा हेली हब होगा जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। कैसा है ये? फर्स्ट है ये देश का ऐसा जहाँ सारी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? किसने, नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस नाम से बनाया है सॉफ्ट? तो सॉफ्टवेयर का नाम है हॉक। क्या नाम है? हॉक। ये किस लिए बनाया गया है? जो नशा तस्कर होते हैं, नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपका बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर 10,000 से ज़्यादा तस्करों का डाटा फीड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा सांगवान का संबंध किस खेल से है? तो पूजा सांगवान का संबंध है रोइंग से। किससे है? रोइंग खेल से इनका संबंध है। और ये पूजा सांगवान ही है जिन्होंने पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय, वो राष्ट्रीय पुणे में आयोजित थी राष्ट्रीय रोइंग चैम्पियनशिप, क्या थी? राष्ट्रीय रोइंग चैम्पियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। जो पूजा सांगवान है उनका संबंध है चरखी दादरी से। कहाँ से हैं ये? चरखी दादरी से बिलोंग करती हैं। चरखी दादरी का गांव है मंदोला। कौन सा गांव है? मंदोला से ये करती हैं बिलोंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? उस महिला का नाम बताइए जिन्होंने हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो वो है आपकी रेनू भाटिया। कौन है? रेनू भाटिया। ये जो है रेनू भाटिया पहले फरीदाबाद की डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? डिप्टी मेयर रह चुकी हैं ये रेनू भाटिया जी। 3 साल के लिए इन्हें क्या बनाया गया है? राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन। अगर मैं बात करूं महिला व बाल विकास मंत्री, तो वो कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा। कौन है? कमलेश ढांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, हरियाणा की किस महिला का यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयन हुआ है? बहुत अच्छी बात है ये हमारे हरियाणा के लिए कि इतने ऊंचे पद पर भी हमारी कोई बेटी गई है। तो हम देखते हैं कौन है वो। तो कौन है वो? उनका नाम है दिव्या शर्मा। क्या नाम है? दिव्या शर्मा। जो दिव्या शर्मा हैं वो कैथल ज़िले से बिलोंग करती हैं, कैथल के कलायत से। कहाँ से?
कैथल के कलायत से। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।